अभी देख रहे हैं इसमें खुआ को मल रहे हैं, घाटी जो है मीठा खुआ जो है उसको मल लिए, थोड़ा सा ले लिए काजू किशमिश मिला हुआ है इसमें, भर दिए इसके अंदर मिक्स करके। ये गोल है देखिए, और ये तैयार है काजू कली, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे दीपक का लाइव। दोस्तों आज के इस वीडियो में होगा मिठाई जिसका नाम है काजू कली। काजू कली मिठाई दोस्तों खुआ से बनता है, खुआ को चीनी देकर पहले घाट लिया जाता है, जिसको कि हम घाटी बोलते हैं। तो जो खुआ जनरली होता है उसको चीनी देकर के घाट लिया जाता है, उसको घाटी उसी मीठा खुआ या उसी घाटी से बनता है। बहुत तरह तरह का आइटम बनता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो उसी में से एक है काजू कली, जो कि बहुत ही पॉपुलर मिठाई है और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई माना जाता है। तो आज उसी मिठाई का रेसिपी होगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं लेके आपको वीडियो पे, और एक एक चीज़ डिटेल बताया जाएगा अच्छे तरह से, देख लीजिएगा। बहुत ही वीआईपी, बहुत ही स्टैंडर्ड और बाहर बहुत ही ज़्यादा लाइक होता है मिठाई का। हो सकता है आपका फेवरेट मिठाई हो, आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिठाई काजू कली। अब देखिए दोस्तों, ये मीठा खुआ है जिसको हम लोग घाटी कहते हैं अपने भाषा में। तो देखिए इसको मिस रहे हैं। घाटी में टेस्ट के लिए इलायची दे सकते हैं, नारियल भूसी दे सकते हैं, अमूल स्प्रे दे सकते हैं, गुलाब जल दे सकते हैं, वेनिला दे सकते हैं, इस तरह सभी चीज़ घाटी में टेस्ट के लिए, या खाली इलायची भी देकर काम चला सकते हैं। तो इस तरह से घाटी को मस रहे हैं दोस्तों, टाइट घाटी है। इसको थोड़ा सा गुलाब जल देके, थोड़ा सा पानी देके मस लिए हैं, कम बोलिएगा आप लोग, मस लिए हैं। अब देखिए इसमें काजू थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। ये काजू के लिए बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही बेहतरीन मिठाई होता है, खोवा का बनता है। इसका लाइफ काफ़ी दिन तक होता है, 10-15 दिन तक कम से कम लाइफ होता है। मीठा खोवा यानी घाटी से बनता है ये काजू कली। इसमें काजू कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा किशमिश ले लेंगे, और थोड़ा सा घाटी ही वाइट लेकर के उसमें कलर करके एक मिक्सर बना लेंगे मिक्स। उसमें थोड़ा सा गुलकंद दे दिए, थोड़ा सा वेनिला दे दिए टेस्ट के लिए, जो मिक्स वाला होगा काजू किशमिश और खोवा का मिक्स का मिश्रण, जो ताकि जो हम गोला बनाएंगे, जो गुल्ली बनाएंगे उसके अंदर भर सके। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से काजू किशमिश को कटिंग कर रहे हैं। थोड़ा बारीकी से महीन से कटिंग कर लेना है, और इसमें किशमिश भी देंगे टेस्ट के लिए, थोड़ा सा गुलकंद देंगे, वेनिला देंगे, यानी कि मिश्रण होगा गुलकंद, वेनिला, इलायची और काजू किशमिश, और कलर पीला कलर दे देंगे या कोई भी कलर दीजिए आप अंदर में, ताकि यूनिक लगे। जब खाए, जब फाड़े, जब थोड़ा सा तोड़ के उसको खाए तो यूनिक लगे देखने में, अंदर मेवा भरा हुआ देखिए। और ये किशमिश है, काजू है, सबको मिक्स कर लेंगे, मिश्रण बना लेंगे सभी चीज़ों का, ताकि यही चीज़ अंदर काजू कली के अंदर भर सके। जब आप काजू कली को खाइएगा, जब खुआ को गोल आइटम खाइएगा तो तोड़िएगा तो अंदर आपको दिखेगा पीला पीला या कलरफुल दिखेगा, काजू किशमिश दिखेगा, एक अलग टेस्ट दिखेगा। देख लिए किस तरह से कलर इसमें मिक्स कर रहे हैं। वैसे तो उसमें आप कुछ भी नहीं, खाली काजू भी दे सकते हैं, खाली किशमिश भी दे सकते हैं, मिक्स करके नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देख लिए इस तरह से ये है। अब इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा खुआ दे करके, थोड़ा सा मीठा खुआ दे करके या घाटी दे करके। देखिए मिक्स कर लिए हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें गुलकंद है, वेनिला है, काजू है, किशमिश है, सबका मिक्सर है, और ये गोला, इसी गोला में इसी तरह से उसमें भरना है देख लिए। और यही प्रक्रिया जितना भी गोला काटा हुआ रहेगा सब में करना है, सब इसी तरह से भरना है, इसी तरह से भरते जाना है ये मिक्सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई माना जाता है खोवा का मिठाई को, वैसे तो बहुत ही बेहतरीन मिठाई माना जाता है। वीडियो को देखिएगा दोस्तों अंत तक, तभी समझ पाएगा कैसे बनता है ये काजू कली। या आप इसी प्रकार से किसी और अलग अलग यूनिक यूनिक डिज़ाइन, यूनिक यूनिक आइटमें दे सकते हैं। तो बस अपना नाम रखिए, आपको जिस टाइप का दिल करे उस टाइप का बनाइए, भरिए, काटिए। तो ये काजू कली जो बना रहे हैं इसमें सब में थोड़ा थोड़ा रखें,
जो मिक्सचर है डाल रहे हैं, भर रहे हैं और गोल कर रहे हैं। सभी को इसी तरह से भर लेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, एक अलग ही किस्म का मिठाई। इस टाइप का मिठाई आपको नहीं मिलेगा कोई यूट्यूब पे। देखिए दोस्तों, इस तरह से पूरा सभी भर लेना है। देखिए भर चुके हैं सबको। अब इन सभी को गोल करना है, थोड़ा सा घी का लेप लगाएंगे ताकि तवक चिपकाने में आसान हो, और सबको बारी बारी से गोल करके एक लाइन लगा करके उस पर तवक चिपकाना होता है। देख ली दोस्तों, इसमें थोड़ा सा घाटी घाटने में मेहनत होता है, खुआ करना होता है, उसको घाटी घाटना होता है, उसके बाद अलग अलग यूनिक यूनिक डिजाइन बनाइए, अब आसान हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत होता है, लेकिन ज़्यादा मेहनत खुआ करने में, घाटी करने में होता है दोस्तों। दोस्तों घी का लेप बहुत ज़रूरी होता है इसमें, ताकि चिपक तवक आसानी से चिपक जाए इसमें, और एक अलग टेस्ट भी आ जाता है खाने टाइम में। सबको इसी तरह से बारी बारी करके सबको गोल करना होता है। ये देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होता है ये काजू कली, बहुत ही पॉपुलर मिठाई हमारे दुकान का। देख लीजिए सभी को गोल कर दिए दोस्तों, इसमें तवक चिपकाएंगे, और ये देख लीजिए तवक चिपका हुआ है। तवक सुंदरता के लिए दोस्तों, ताकि कीड़ा मकोड़ा भी नहीं बैठे इसमें और सुंदर भी देखने में लगे। तवक किसी भी मिठाई में सुंदरता लाता है, और कोई काम तवक का नहीं होता है। आप चाहे तो तवक का यूज नहीं कर सकते हैं। ये कलरफुल है, कलर घोरा हुआ है गुलाब जल या पानी में, और ये देखिए बोतल के ठेपू से इसमें गोल गोल दाग देना है, ताकि देखने में यूनिक लगे, देखने में सुंदर लगे और अच्छा लुकिंग लगे देखने में इसमें। तो देखिए इस तरह से सभी में कर देना है दोस्तों। और ये कटोरी, कटोरी इसकी स्टैंडर्डता बढ़ाती है, और देने में भी आसान होता है डिब्बा में, और खूबसूरत देखने में भी लगता है, भड़कदार साइज भी लगता है देखने में दोस्तों। ये मेरा सिस्टम है, देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा माथा बच्ची होता है इसमें, बहुत सारा आइटम देना होता है तो बहुत ज़्यादा सिस्टम लेना पड़ता है इसमें। देखिए काजू फ्राई किया हुआ है दोस्तों, आप बिना फ्राई किए भी काजू, देखिए काजू ऊपर चिपकाना है तभी इसको काजू कली कहते हैं हम लोग। नाम का कोई लेखा जोखा नहीं होता, नाम अपना रख दिए बस, ये खुआ आइटम होता है। अब जो बनाइए, जैसा बनाए, जो कर दिए, बस नाम रख दिए, हो गया। लेकिन ये काजू कली पॉपुलर है, बहुत खूबसूरत मिठाई है और बहुत स्वादिष्ट मिठाई माना जाता है, और फ़ायदेमंद भी। आप देख सकते हो दोस्तों, खुआ होता है दूध का, दूध का खुआ है, और मीठा क्या हुआ है तो बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। देख लीजिए किस तरह से काजू चिपका रहे हैं इसमें। सबसे पहले इसमें अंदर मिक्सर को भरें, फिर गोल किए, फिर तवक चिपकाएं, फिर कलरफुल रंग से, घोरा हुआ रंग से ठेपू से गोल गोल दाग दिए, और उसके बाद देखिए काजू किस तरह से चिपका रहे हैं इसमें। बस तैयार है हमारा काजू कली। यही चीज़ करना है सभी में। कितना खूबसूरत दोस्तों देखने में लग रहा है, देख सकते हैं आप दोस्तों। वीडियो और अच्छा लगेगा, लगेगा वीडियो जानकारी भरा वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस यही करना है। कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मिठाई है ये काजू कली। तो दोस्तों तैयार हो चुका हमारा ये काजू कली मिठाई, खुआ का है ये। कितना खूबसूरत, कितना यूनिक है मिठाई, और टेस्ट का तो बात ही है अलग, खुआ है। तो दोस्तों तैयार हो चुका हमारा काजू बर्फी, काजू कली। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एक एक चीज़ को समझ लिया होगा अच्छी तरह से, ताकि आप आसानी से बना लें। और कितना मज़ेदार मिठाई था देखिए आप, काजू कली। चाहे तो आप घर में भी बना सकते हैं इस मिठाई को। तो वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।